हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन और मैं उठ गई थी शाम को थोड़ा सा आराम करके, क्योंकि हर दिन आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, तो संडे को थोड़ा सा टाइम रहता है। तो मैं यहाँ पे खड़े होके बालकनी में देख रही थी कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, और बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं। तो बचपन याद आ जाता है इन सबको देख के सही में। तो चलिए गर्मा गर्म एक कप कॉफ़ी पीते हैं और फिर आपसे ढेरों बातें करते हैं, और आपसे आज स्पेशल व्लॉग जो शेयर करना है। फटाफट से आ जाइए हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ चैनल। और फेस्टिवल सीजन आ गया है और सबसे प्यारा फेस्टिवल है कल, वो है रक्षाबंधन। तो सारी जो बहनों का जो फेवरेट फेस्टिवल है वो होता है राखी। और आपको तो पता ही है इम्पोर्टेंस राखी की, कि हर भाई को अपनी बहन की मतलब पूरी लाइफ हेल्प करनी है, हेल्प मतलब साथ देना है। और बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है फ्रेंड्स, और हर बहन को अपने भाई के लिए थोड़ा अच्छा खाना भी बनाना चाहिए ना। और इस दिन ना आप अपने भाई को ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हो। और आज मैं आपसे एक प्यारा सा रेसिपी शेयर कर लेती हूँ जो बहुत ही इजी होगा, जल्दी बन जाएगा, और आपके भाई को ना, और हर एक भाई को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मेरे सारे YouTube फैमिली को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। लेट नहीं करते हैं और फटाफट से ना एक अच्छी वाली मिठाई बना लेते हैं, ताकि राखी के टाइम हम अपने भाई को खिला सके। तो चलिए फटाफट से आपसे ना मैं एक इजी वाली रेसिपी शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। रूटीन वाले स्वीट्स जो है आप बनाते ही रहते हो, जैसे बर्फी, लड्डू, और शायद भाई भी ये खा खा के बोर हो जाते होंगे। तो आज ना इजी और टेस्टी वाला ना एक रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप जरूर ट्राई कीजिए। तो मैं तो अपने सारे भाइयों के लिए एक इजी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो उनको भी पसंद आएगी। लेट्स गो फ्रेंड्स। आज है संडे और अभी हो रहा है शाम का टाइम। सुबह से घर का जो रेगुलर रूटीन वर्क होता है वो ख़त्म हो गया था, और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डल लग रही थी, मतलब सर्दी जुकाम था, इसीलिए थोड़ा सा मैंने दोपहर में आराम कर लिया था। लेकिन मुझे ये वाला जो स्पेशल रेसिपी वाला वीडियो बनाना था, क्योंकि कल है राखी और मुझे आप सबसे कुछ शेयर करना था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट उठी और रेडी हो गई आपसे वीडियो शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ ब्रेड वाली रेसिपी। तो आपको ब्रेड के जो साइड्स हैं वो कट कर लेने हैं, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ये कोई भी बना सकता है। तो सारे जो स्लाइसेस के आप ये जो साइड्स हैं वो कट कर ले, और ये जो रेसिपी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और देखना आप जब बन जाएगी तो आप ज़रूर किचन में जाओगे और फटाफट से शेयर करोगे, क्योंकि घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से बन जाएगी ये। तो यहाँ पे सारे स्लाइसेस के मैंने साइड्स कट कर लिए, और आपने कुछ गोल ढक्कन लेना या कोई भी शेप का जो आप बना सकते हो, आपको पसंद है वो। आप चाहे तो स्क्वायर कर सकते हो, ट्राइंगल कर सकते हो, या एक स्लाइस को टू हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मुझे बनाना है राउंड वाला शेप। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक ढक्कन, और उससे मैंने जो ब्रेड को राउंड शेप दे दिया है,
तो ये सारे ही तैयार हो गए हैं और फिर इसको ना हम करेंगे बाद का प्रोसीजर जो है, आप वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीनी और उससे बनाऊंगी गुलाब जामुन जैसा चाशनी। जैसे आप गुलाब जामुन में बनाते हो वैसा ही चाशनी इस वाले रेसिपी के लिए भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं चढ़ा लेती हूँ चाशनी। इसमें मुझे डालना है चीनी और थोड़ा सा वाटर। आप अंदाज से ले लीजिए, जितना आप रेसिपी क्वांटिटी है उतना ले लीजिए। और यहाँ पे मैं डालूँगी इलायची इसमें, तो इलायची को फटाफट कूट लिया और इसमें डाल दिया मैंने। और चाशनी यहाँ बन के तैयार हो जाएगी। एक तार की चाशनी आपने बनाना है। और यहाँ पे मैं चढ़ाऊँगी दूसरी कढ़ाई, जिसमें मुझे डालना है शुद्ध देसी घी। और क्योंकि भाई के लिए रेसिपी होती है, तो आप बनाएं इसे शुद्ध देसी घी में, ना कि रिफाइंड ऑयल या किसी और ऑयल में। तो भाई जो है हमेशा उनकी लंबी उम्र रहे और हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, ताकि आपकी वो रक्षा कर सके, इसीलिए बनाए शुद्ध घी में। और यहाँ पे मैं थोड़े से चॉप कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स को, ताकि ये जो स्वीट जो है और टेस्टी बन जाए और क्रंची बन जाए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बादाम और काजू। आप ले सकते हो पिस्ता, तो किशमिश वगैरह इसमें अच्छे नहीं लगते, आप पिस्ता ले सकते हो, पिस्ता इसके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ले रही हूँ बादाम और काजू। और अभी डालना है घी में ये वाले जो ब्रेड स्लाइसेस है, इसको आपने डार्क ब्राउन में, मतलब जो गोल्डन ब्राउन कलर में इसको फ्राई कर लेना है, तो इससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। और यहाँ पे चाशनी बन चुकी है, तो देखिए मेरा जो ये ब्रेड का स्लाइस है बहुत ही अच्छी तरह का गोल्डन कलर में फ्राई हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है। सेम वैसा ही जैसे बर्गर में टिक्की होता है ना, सेम वही लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे आपको ना फटाफट से सारे स्लाइसेस को इस वाले घी में ना फ्राई कर लेना है, और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। और जब इसको आप खाओगे और अपने भाई को खिलाओगे, तो ये इतना टेस्टी होगा, सही में आपको बहुत सारी तारीफ़ें मिलेंगी। तो मैंने अभी आंगन में एक चीज़ देखा, देखिए चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, और कल राखी पूर्णिमा है तो चांद और ज़्यादा बड़ा दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने चाशनी में ये जो स्लाइसेस को डिप किया, और सारे स्लाइसेस को ऐसे डिप करूँगी और प्लेट में निकाल लूँगी। तो इससे हो जाएंगे आपके जो ये ब्रेड स्लाइसेस जूसी, और ये गुलाब जामुन से भी बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इन स्लाइसेस को गार्निश कर रही हूँ बादाम से, और मेरे पास है थोड़ा सा खोया, मैं इसके ऊपर वो भी डाल दूँगी, और उसके ऊपर ये डालूँगी गरम गरम चाशनी, जिससे ये खोया मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपके भाई खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी यमी जूसी स्वीट ना, सही में मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, और पहले मैं आपको टेस्ट कराऊंगी और फिर मैं बाद में खाऊंगी। कितना टेस्टी लग रहा है सही में। तो फटाफट से मैं आप सबके लिए ये भेज देती हूँ, तो आप ज़रूर इसको टेस्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा स्वीट। तो फ्रेंड्स, ये बन गई है यमी सा मिठाई राखी के लिए, तो आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपके भाई को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और सभी YouTube फैमिली को हैप्पी लाइफ चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी बहन की हमेशा रक्षा करें, पूरी जिंदगी उनका साथ दें, और बहनें भी अपने भाई अगर कोई एडवाइस देते हैं आपके लिए तो वो अच्छा होता, तो जरूर जरूर सुने उनको। तो हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन फ्रॉम हैप्पी लाइफ चैनल। तो मैं मिलती हूँ कल के एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।